नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल चैनल इन खबर। मैं अभिषेक पांडे इन खबर के माध्यम से लेके आया हूं आपके लिए अभी तक सुबह की 10 बड़ी खबरें। चलिए देखते हैं आज सुबह की 10 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में दो कश्मीरी लोगों पर दक्षिणपंथी संगठन से जुड़े लोगों का कहर टूटा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भीड़भाड़ वाले इलाके पर ड्राई फ्रूट्स बेच रहे कश्मीरी विक्रेताओं पर बुधवार को एक राइट विंग संगठन से जुड़े लोगों के एक समूह ने हमला कर दिया और उन्हें पीटा। राइट विंग के लोगों में से एक ने कश्मीरी के साथ मारपीट का वीडियो भी साझा किया। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद की वजह से दोनों कश्मीरी युवक को हमलावरों के चंगुल से बचाया गया। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि यदि उसने हाफिज सईद के संगठन पर सख्त एक्शन नहीं लिया तो FATF उसे ब्लैकलिस्ट कर सकता है और फिर उसके लिए IFS से कर्ज लेना बेहद मुश्किल हो जाएगा। आज की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी का सरकार पर हमला। कहा, अगर राफेल के कागज गायब हुए तो मतलब आरोप सच्चे हैं, इसलिए सबूत को मिटाने की कोशिश की जा रही है। अगर मोदी सरकार सच्ची है तो सबूत पेश करे। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों का एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर और सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। भारतीय वायु सेना के उच्च सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि 27 फरवरी को विंग कमांडर अभिनंदन ने ही पाकिस्तान के लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराया था। अभिनंदन ने निशाना लगाने के लिए R-73 मिसाइल का इस्तेमाल किया था। सीमा पर जारी तनाव के बीच पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास अतिरिक्त टुकड़ियां और हथियार भेजे हैं। सुरक्षा के से जुड़े सूत्र ने न्यूज एजेंसी को बताया कि अफगानिस्तान की सीमा पर जवानों की अतिरिक्त टुकड़ियां और सैन्य उपकरण हटाए गए हैं और LOC के कुछ संवेदनशील सेक्टर्स में तैनात किए गए हैं। भारतीय सेना ने बुधवार को पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी दी है कि वे LOC पर स्थित रिहायशी इलाकों को निशाना न बनाए। अगर पाकिस्तान ने उन्हें नुकसान पहुंचाया और हिम्मत की तो उसका अंजाम पाकिस्तान को भुगतना होगा। संत कबीर नगर में निगरानी सतर्कता कमेटी की बैठक में बुधवार को भाजपा सांसद और विधायक के बीच खुलेआम मारपीट पर सियासत गर्म है। विपक्ष ने भाजपा के जनप्रतिनिधियों द्वारा इस व्यवहार को जमकर हमला किया है। वहीं बसपा ने कहा कि यह इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक है और सपा ने इसे हताशा का नतीजा बताया है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर से जुड़ा एक नया ऑडियो जारी किया गया है। इस ऑडियो में आतंकी मसूद अजहर की लिखी हुई स्टेटमेंट को उसके प्रवक्ता सैफुल्ला ने पढ़ा है। इस ऑडियो में आतंकी मसूद अजहर की ओर से स्टेटमेंट जारी किया गया है कि वे अभी जिंदा है और पूरी दुनिया में मरने की खबर चल रही है जो कि झूठी है। टाटा मोटर्स की बहुप्रतीक्षित प्रीमियम हैचबैक टाटा एल्ट्रॉज से पर्दा उठ चुका है। 2019 जेनेवा मोटर शो में मंगलवार को यह कार लोगों के सामने पेश की गई। काफी हद तक अपने कॉन्सेप्ट वर्जन टाटा 45X की तरह दिखने वाली इस कार का लुक शानदार है। जल्दी भारतीय बाजार में उतरने की आशंका। फिलहाल लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। दुनिया के 6वें नंबर की महिला शटर PV सिंधु बुधवार को ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहले ही दौर में हार कर बाहर हो गई। उन्हें वुमन सिंगल में दक्षिण कोरिया की सुंग जी ह्यून ने 21-16, 20-22 और 21-18 से हराया। सिंधु ने पिछले साल इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। वहीं मैन सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 26 भारतीय शटलर BSai प्रणीत ने हमवतन HS प्रणय को 21-19 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। आशा करता हूं कि आपको ये खबरें पसंद आई होंगी। अगर आपको खबरें पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।